कवर्धा आगजनी कांड, जानिए शुरू से अब तक क्या हुआ। कवर्धा के लोहारी डी हत्याकांड में गिरफ्तार किए गए प्रशांत साहू की संदिग्ध परिस्थितियों में जेल में मौत हो गई। पुलिस ने सोमवार को प्रशांत को गिरफ्तार किया था, जिसे अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद जेल लाया गया था। मंगलवार को उसकी मौत हो गई, जिसके बाद गाँव में स्थिति तनावपूर्ण हो गई। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। लोहारीडीह गांव में रविवार को हिंसा भड़क उठी थी, जब कुछ ग्रामीणों ने पूर्व उप सरपंच रघुनाथ साहू के घर को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें कवर्धा के एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। गांव में फिलहाल दहशत का माहौल है और अधिकांश लोग घर छोड़कर भाग गए हैं। पुलिस ने गांव में नियंत्रण स्थापित करने के लिए 69 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि कुल 170 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा ने घटना पर कड़ा रुख अपनाते हुए सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि स्थिति अब नियंत्रण में है और घटना की जांच जारी है। राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने प्रशांत साहू की मौत को पुलिस प्रताड़ना का परिणाम बताते हुए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की है। डॉक्टर चरणदास महंत का कहना है कि राज्य में अपराधियों को सरकारी संरक्षण प्राप्त है, जिससे कानून व्यवस्था चरमरा गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिव प्रसाद साहू की संदिग्ध मौत की जाँच में पुलिस ने लापरवाही बरती है, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। डॉक्टर चरणदास महंत ने गृह मंत्री विजय शर्मा पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस गृह मंत्री के निर्देश के बिना कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जिससे निष्पक्ष जांच नहीं हो पा रही है। लगातार ऐसी घटनाएं घट रही हैं, जो पूरे प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। लोहारडी गांव जहां की घटना 2-3 दिन से लगातार चर्चा में है, कहीं हत्या हो रही है, किसी की लाश टंगी हुई पाई जा रही है, गांव वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है, गांव के नौजवान को थाने में मारा जा रहा है। इस तरह की घृणित घटनाएं अगर गृह मंत्री के उप मुख्यमंत्री के क्षेत्र में हो तो पूरे प्रदेश को चिंता करना जरूरी है। इस बीच कांग्रेस ने प्रशांत साहू की मौत पर सरकार को घेरते हुए न्यायिक जांच की मांग की है। देखिए, इस गाँव में 4 दिन में, पहले 2 दिन में 2 हत्याएं हुई और चौथे दिन में प्रशांत साहू जी की पुलिस कस्टडी में मौत हुई है, और उसके जो बॉडी है उसमें बहुत चोटों के निशान है, बहुत मार मारे हैं, पैर में, कमर में, पीठ में, हाथ में, सब जगह चोट के निशान है, और बेहद दर्दनाक मौत हुई है। और इतना बेरहमी से पुलिस वाले मारे हैं, उसके जख्म है वो बता रहे हैं, बेहद दुखद है। अभी सुनने में आया है कि और लोग भी जेल में जो बंद हैं उनकी हालत भी बहुत खराब है, और ये भी है कि कई लोग चल नहीं पा रहे हैं, कोई खा नहीं पा रहे हैं। अभी उसका भाई आया है तो वो भी अपना निशान दिखा रहा था, उसकी माँ है वो चल नहीं पा रही है, वो भी दुखी है, बहुत मारे हैं उसे। तो अपराधी हैं उसे पकड़े, लेकिन सब लोगों को पकड़ के जानवर से बदतर स्थिति, उससे भी ज्यादा भयानक मारे हैं, ये तो बेहद दुखद बात है। लोहारीडीह हत्याकांड और जेल में आरोपी प्रशांत साहू के संदिग्ध मौत के मामले में देर रात प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। एडिशनल एसपी विकास कुमार को निलंबित कर दिया गया है। वहीं मृतक युवक का पोस्टमार्टम पूरा होने के बाद शव को उसके परिवार वालों को सौंप दिया गया है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि जेल में बंद कई लोगों के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं, जिससे प्रथम दृष्टया यह पता चलता है कि जेल में बंद लोगों के साथ मारपीट की गई थी। प्रथम दृष्टया जो बात समझ में आती है, इसमें जेल के रिकॉर्ड में भी जेल में भर्ती होते समय कुछ लोगों के शरीर पर चोट के निशान बताए गए, और गांव वालों ने भी कहा कि कुछ बड़े अधिकारियों के निर्देश पर हम गांव वालों को, कुछ लोगों को पीटा गया। पुलिस वाले मारे हैं, सब पुलिस मैडम मन मारे हैं। जेल में पिटाई नहीं हुआ है, नहीं, ये मारे थाना में, थाना में, घर से ले जाते समय भी मार, हाँ, यहाँ गली में बेजा मारपीट करे हैं भैया। अब आपके बेटा के साथ भी वहाँ मारपीट हो रही, जेल में आप रहे हो, वहाँ थाना में रहे हो तो?
हाँ सब लमारी है थाना में बेटा मतलब पूरा बेटा लड़का भर लमार है पूरा। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर एडिशनल एसपी विकास कुमार को निलंबित कर दिया गया है। मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की गई है। पूरा संवेदना आप मन के साथ में है, बड़े दुखद घटना तो है, लेकिन अब पूरा हमन आप मन के साथ में हन दुख के घड़ी में, और जो भी शासन तरफ से सहयोग है ही सब हमन करबो है ना। और 10 लाख रुपया के मैं घोषणा करत हूँ, आप मन के परिवार के सरकार के तरफ से 10 लाख रुपया देबो है ना। गृह मंत्री ने घटना स्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और मृतक प्रशांत साहू के परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह मामला जांच के दायरे में है और फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। इसके साथ ही सरकार ने आश्वासन दिया है कि मृतक के परिवार की जिम्मेदारी उस समय तक प्रशासन द्वारा उठाई जाएगी। तो जिन्होंने जो बड़े अधिकारी थे उन पर कार्यवाही हुई, यहाँ पे श्री विकास कुमार हैं, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार निलंबित किया गया और यहाँ पर पीड़ित परिवार को मुआवजे की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है के माध्यम से की गई है। साथ ही साथ ऐसे परिवार के लोग वो सारे के सारे कल अंत्येष्टि में सम्मिलित हो सकें, इस बात की व्यवस्था की गई है। आगे जाँच भी इस विषय का निर्धारित किया जाएगा और साथ ही साथ अभी परिवार में जो भी सदस्य हैं उन सब की चिंता आने वाले कुछ समय तक जब तक परिस्थितियां ठीक न हो जाती हैं तब तक शासन प्रशासन की होगी। कवर्धा में हुए इस हिंसक संघर्ष और पुलिस हिरासत में हुई मौत ने पूरे राज्य में हड़कंप मचा दिया है। अब सभी की निगाहें इस पर टिकी है कि सरकार इन घटनाओं पर कैसे कार्रवाई करती है और राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था को कैसे सुधारती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।